Hello students and welcome to PrepayAs. I'm Shibhangi Sharma, your faculty for history and culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a course for your UPSC CSE prelims. And with this particular lecture, we are going to start with our art and culture series. And the first topic that we are going to deal with is going to be Indian architecture.

हिंदू आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली सबसे पहले हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ठीक है तो जब हम हिंदू आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स बात करते हैं जिसके तहत टेम्पल्स बने हैं तो हमारे पास काफी सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं काफी ऐसी किताबें लिखी गई हैं जो कि टेंपल कैसा बनना चाहिए उसमें मूर्तियां कैसी बननी चाहिए उनके अंदर पेंटिंग्स कैसी बननी चाहिए इन ट्रेडिशंस को डोमिनेट करती हैं स्टूडेंट्स अगर हम टेम्पल एज अ क्लोज स्पेस की बात करें तो वो हमारे देश में गुप्ता पीरियड से देखने को मिलता है उससे पहले ऐसा माना जाता है कि भाई जैसे ऋग्वेदिक पीरियड हो गया लेटर वेदिक पीरियड हो गया इनके अंदर क्योंकि सैक्रिफाइसेस यज्ञ इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था इस वजह से जो टेम्पल स्पेसेस होती थी वो प्रोबेबली ओपन स्पेसेस थी जिनके अंदर फायर ऑल्टर्स होते थे जहां पे बैठ के हम ऑफरिंग्स या सेक्रीफाइस किया करते थे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है जो कि सैक्रिफिशियल प्लेटफॉर्म्स या ऑल्टर्स फायर ऑल्टर्स बनाने के आर्किटेक्चर के बारे में बताती है उस किताब का नाम है सुलब सूत्रा यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कौन सा आर्किटेक्चर देखते हैं ओपन एयर सैक्रिफिशियल प्लेटफॉर्म्स जो बनते हैं उनके आर्किटेक्चर के बारे में ये हमें बताती है ना कि रेगुलर टेम्पल्स के बारे में बताती है <coughs> यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आगे जाके हम करना क्या शुरू करते हैं आगे जाके हम आइडल वर्शिप करना शुरू करते हैं और आइडल वर्शिप जो है इसको हम मूर्ति की किसी जगह पर स्थापना तो करेंगे तो आइडल वर्शिप प्लस द प्लेस वेयर द आइडल विल बी केप्ट कंबाइंड बिकम्स फॉर द टेम्पल्स जो हमारे आज तक कंटेम्प्री टाइम्स के अंदर हैं जिनकी पूजा हम करते हैं यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में अगर टेम्पल्स की बात करी जाए तो टेम्पल्स के अंदर जो आइकन्स बनते हैं ठीक है मूर्तियां जो बनती हैं उनके लिए हमारे पास कैसी किताबें हैं उनको डोमिनेट करती हैं टेक्स्ट लाइक शिल्प शास्त्र शिल्प शास्त्र कुछ किताब हो गई ठीक है एक किताब हमारे पास शिल्प शास्त्र हो गई जो कि डोमिनेट करिए कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति है जो आइकन बन रही है वो किस तरह बननी चाहिए उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्स्ट हैं जैसे कि वास्तु शास्त्र वास्तु वास्तुशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है इसके अंदर आप देखेंगे कि भाई हमें बताया जाता है क्या चीज किस डायरेक्शन में होनी चाहिए एक्सेट्रा सो दीज आर सम अर्ली सूत्र शिल्प शास्त्र वास्तुशास्त्र दैट आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ हिंदूज यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लोग मंदिर बनवाते थे मंदिरों की स्थापना करवाते थे उनको हम कहते हैं स्थापति ये जो स्थापतिज थे इनके अंडर टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है जो कि काफी पैसे वाले होते थे एंड दे यूज टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज मल्टी स्टोरी हाई सीलिंग बिल्डिंग्स जिनको अब हम टेम्पल्स कहते हैं तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का टेक अवे क्या है Sacrificial ओपन एयर ऑल्टर्स जो बन रहे हैं उनके लिए कौन सी किताब है सुलब सूत्र आगे जाके जो क्लोज स्पेस में मंदिर बनेंगे उसमें आईकन्स शिल्प शास्त्र के बेसिस पे बन रहे हैं और उसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर में वास्तुशास्त्र का यूज हो रहा है पेंटिंग्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पेंटिंग्स के लिए भी हमारे पास कई किताबें हैं एक पॉपुलर किताब है चित्र सूत्र ठीक है एक पॉपुलर किताब है चित्र सूत्र जिसके अंदर आप देखेंगे पेंटिंग्स कैसे बनानी चाहिए उसके बारे में हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इंडिया के अंदर जो क्लोज स्पेस्ड एक्चुअल बनते हैं इनके कंस्ट्रक्शन का डिस्कशन करते हैं तो ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने दिस इज बेसिकली अ बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल ये एक बेसिक फॉर्म है हिंदू टेम्पल की पहले हम बेसिक फॉर्म समझ लेते हैं फिर हम देखेंगे कि भाई नॉर्थ इंडिया में कैसा टेम्पल होता था साउथ इंडिया में कैसा टेम्पल होता था एटसेट्रा तो स्टूडेंट्स हर मंदिर के अंदर जो सबसे पुराना पार्ट होता है जो सबसे पहले बनता है वो होता है गर्भगृह ग्रिह। गर्भगृह वो एरिया होता है जिसके अंदर हम आइडल को प्लेस करते हैं सो गर्भगृह इज द प्लेस वेर इन द आइडल विल बी प्लेस्ड गर्भगृह के ऊपर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक टावर बनाया जाता है गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या होता है एक टावर होता है ये जो टावर होता है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं शिखर शिखर अलग अलग शेप्स का होता है नॉर्थ इंडिया में अलग शेप का होता है साउथ इंडिया में अलग शेप का होता है अभी बस हम एक जनरल प्लान समझ रहे हैं तो आइडल कहां पे होती है गर्भगृह में गर्भगृह के ऊपर क्या होता है टावर होता है टावर को क्या कहते हैं शिखर शिखर का जो टॉप होता है स्टूडेंट्स उसको खाली नहीं छोड़ा जाता इन इसको हम डेकोरेट करते हैं अमलक और कलश से तो अमलक और कलश क्या हो गए अमलक तो ये कपोला शेप का सा पार्ट हो गया और कलश हमारा ये कलश हो गया ये दोनों क्या है इनको हम क्राउनिंग एलिमेंट बोलते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं अब जहां पे मूर्ति प्लेस होती है जहां पे भगवान की मूर्ति स्थापित करी जाती है उसके जस्ट सामने हम देखते हैं हम कोई भी नॉर्मल टेम्पल में जाएंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि भाई श्रद्धालु गैदर होंगे अपनी ऑफरिंग्स देंगे भगवान को तो यहाँ पे जो श्रद्धालु जिस एरिया में गैदर हो रहे हैं उसके अंदर जनरली पिलर्स होते हैं पिलर्ड ओपन हॉल होता है और इसको कहा जाता है मंडप किसी किसी टेम्पल के अंदर आपको मंडप से पहले एक छोटा सा और ओपन एरिया मिलेगा जहां पे जनरली घंटी वंटी लगाई जाती है इसको हम कहते हैं अर्ध मंडप तो ये स्टून से एक बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल है जिसमें सबसे बेसिक फीचर्स ऐड करे गए हैं गर्भगृह गर्भगृह के ऊपर टावर गर्भगृह गर्भगृह के सामने हमारा ओपन पिलर पिलर्ड एरिया ओपन पिलर्ड हॉल जिसे कहते हैं मंडप और मंडप से अटैच्ड होता है अर्ध मंडप ठीक है अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं पहले ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ रिटर्न में भी दे दिए हैं सो वी हैव मेजर एलिमेंट्स में अपने पास क्या है गर्भगृह है जहाँ पे आइडल प्लेस करी जाती है मंडप क्या होता है एक पिलर्ड हॉल होता है जो गर्भगृह के जस्ट सामने होता है मंडप वो एरिया होता है जो मंडप से जस्ट अटैच्ड होता है पहले मंडप आता है फिर मंडप आता है फिर गर्भगृह आता है कभी कभी स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा स्पेस होती है मंदिर के अंदर जिसे कहा जाता है अंतराल अंतराल क्या होता है इट इज अ स्पेस गर्भ गृह एंड मंडप सो इट्स अ स्मॉल स्पेस इन बिटवीन जो गर्भ गृह और मंडप के बीच में होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम कोई भी नॉर्मल मंदिर के अंदर जाएंगे तो जो मेन भगवान की मूर्ति होती है उसके चक्कर लगाने होते हैं तो ये जो हम चक्कर लगाते हैं गोल गोल इस पथ को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ विच इज अ सरकम एम्ब्यूलेटरी पाथ विच इज मेंट फॉर परिक्रमा राइट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट यू विल सी दैट वी हैव शिखर शिखर क्या होता है गर्भगृह के ऊपर हमारे पास एक टावर होता है ये एक वाइटल एलिमेंट है हिंदू टेम्पल्स का और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में दोनों में मिलता है सो इट इज अ टावर अबव गर्भ गृह ठीक है तो इसके अलावा और इसके अलावा हमारे पास दो और चीजें हैं क्या है भाई अमलक और कलश ये दोनों क्या है ये क्राउनिंग एलिमेंट्स हैं जो कि शिखर के ऊपर लगते हैं उसके डेकोरेशन के लिए सो दीज आर क्राउनिंग एलिमेंट्स विच आर मेंट फॉर डेकोरेशन तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने बेसिक फॉर्म समझ ली है अब आगे बढ़ते हैं आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे दोनों ही फोटोज मैंने एनसीआर से ली हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास में एक साइड में नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है एक साइड में साउथ इंडिया का टेम्पल है तो ये हमारा साउथ इंडियन स्टाइल का टेम्पल है और ये हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल का टेम्पल है तो यहाँ पे पहले फोटो के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं फिर हम लोग कंटेंट में भी पढ़ लेंगे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं वो हमेशा गेटेड होते हैं उनमें हमेशा एक बाउंड्री वॉल होती है जबकि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में बहुत सारी सीढ़ियां जारी होती है उनको चढ़ के आप सीधे मंदिर में पहुंच जाएंगे तो एक मेजर डिफरेंस इनमें क्या हो गया साउथ इंडिया के अंदर बाउंड्री है उस बाउंड्री में एक गेट होता है उस गेट से एंट्री करके आप मंदिर की तरफ जाएंगे जबकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी सीढ़ियां मिलेंगी आपको ज्यादातर उनसे आप सीधे मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे ये हम स्टूडेंट्स अर्लीस्ट फॉर्म में जैसे टेम्पल बनता था उसका डिस्कशन कर रहे हैं आज के टाइम में कुछ भी बन सकता है ठीक है तो आप आज के एग्जाम्पल मत लेने लग जाना कि नहीं मैम हमने तो ऐसा टेम्पल देखा है हमने तो वैसा टेम्पल देखा है ठीक है हम लोग एंशंट पीरियड की बात कर रहे हैं कि भाई अर्लीस्ट टेम्पल्स जो बनते थे वो किस तरह से बनते थे तो यहाँ पे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो इसके अंदर एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री में एक एंट्री गेट होता है ये जो एंट्री गेट होता है स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है गोपुरम ठीक है एंट्री गेट जहां से हम एंटर कर रहे हैं साउथ इंडिया के टेम्पल में इसको कहते हैं गोपुरम और इस गोपुरम इस बड़े से गेट के ऊपर होते हैं बहुत सारे स्कल्पचर्स बड़े सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स होते हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में क्या होता है बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और इन सीढ़ियों को हम क्या कहते हैं पीठ तो दोनों में एंट्री कैसे करनी है इस पॉइंट को अपन ने समझ लिया अब स्टूडेंट साउथ इंडिया के टेम्पल में जब आप अंदर जाने लगेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका मंडप मंडप क्या होता है पिलर्ड हॉल होता है जहां पे श्रद्धालु गैदर होंगे फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा गर्भगृह आएगा मंडप के सामने मूर्ति प्लेस्ड होगी जिसको अपनी ऑफरिंग्स देंगे जो भी श्रद्धालु हैं वहां पर तो गर्भगृह क्या हो गया जहां पर डेटी है अगर नॉर्थ इंडिया में जाए तो अपन सीधे सीढ़ियां चढ़े सीढ़ियां चढ़ के अपना पिलर्ड हॉल आया मंडप और मंडप के सामने ही आपका गर्भगृह होगा इसके बाद में गर्भगृह के ऊपर क्या होता है टावर होता है ये जो टावर है नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स इस शेप में होता है सॉर्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं करवी लीनियर शेप इसको हम कहते हैं करवी लीनियर शेप जबकि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये सर राइजिंग सर टावर है और इसको हम कहते हैं पिरामिड की शेप अभी मैं आपको और फोटोज दिखाऊंगी तो और इजी हो जाएगा आपको समझना तो नॉर्थ इंडिया में शेप कैसी है कर्वीलिनियर शेप है और साउथ इंडिया के अंदर कैसी शेप है पिरामिड की शेप स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में जो गर्भगृह के ऊपर टावर होता है उसे कहते हैं शिखर जबकि साउथ इंडिया में जो गर्भगृह के ऊपर टावर होता है उसे हम कहते हैं विमान तो यहां पे क्या हो गया पिरामिडिकल शिखर और साउथ इंडिया में हो गया सॉरी यहां पर क्या हो गया कर्वीलिनियर शिखर नॉर्थ इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर हो गया पिरामिडिकल विमान फिर ये जो दोनों शिखर और विमान है इसके ऊपर हम देखते हैं क्राउनिंग एलिमेंट होता है क्राउनिंग एलिमेंट डेकोरेशन के लिए होता है क्योंकि सीधे हम जो टावर है उसके रूफ को खाली नहीं छोड़ सकते ठीक है उसको डेकोरेट किया जाता है यहां पे स्टूडेंट्स एक टर्म है जो आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में देखने को मिलेगी लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है शिखर नॉर्थ इंडिया के अंदर गर्भगृह के ऊपर टावर होता है जबकि साउथ इंडिया के अंदर यही शिखर जो है ये क्राउनिंग एलिमेंट बन जाता है क्योंकि यहां पे टावर को तो विमान कहते हैं तो यहां पे भी शिखर तो यूज हो रहा है ये जो कपोला शेप का है ये एक्स्ट्रा इसको अपन कहते हैं शिखर ये साउथ इंडिया में क्राउनिंग एलिमेंट है और इसके ऊपर आपको कलश रखा हुआ मिलेगा जबकि नॉर्थ इंडिया में शिखर क्या होता है शिखर होता है आपका टावर और टावर के ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट जो होते हैं उनको हम कहते हैं अमलक और कलश तो ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं जिनको अभी हमने पहले पिक्चर के बेसिस पर देख लिया फोटो के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम इसको देख चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं और इसको कंटेंट के अंदर भी देख लेते हैं जिससे आपको दोनों बात से समझने में आसानी हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसी को हम वापस देख रहे हैं तो बेसिकली अपने पास फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हैं ठीक है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हैं फ्री हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के टेम्पल्स होते हैं ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ जो दो टाइप के टेम्पल्स होते हैं उसमें एक तो अपने पास रॉक कट टेम्पल्स होते हैं और दूसरे अपने पास फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स होते हैं फ्री स्टैंडिंग टेम्पल में क्या है भाई हम बिल्डिंग मटेरियल लेके आ रहे हैं और उससे मंदिर बना रहे हैं रॉक कट में क्या होता है हमारे पास में बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको कार्व करके उनके अंदर से मंदिर बनाए जाते हैं तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करें फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स जो हैं इनके अंदर अपने पास माउंटेन लाइक स्पायर यानी कि एक टावर लाइक -like स्ट्रक्चर होता है जो कि कर्विंग शेप का होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर जिसको अपन कहते हैं कर्वीलिनियर शिखर ये आपके सामने फोटो में रहा ये रहा ये कर्व की शेप में है जबकि साउथ इंडिया में ये जो टावर होता है ये पिरामिड की शेप का होता है और इसको अपन कहते हैं विमान तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर में है ये पिरामिड की तरह राइज कर रहा है इसको अपन कहते हैं पिरामिडिकल टावर नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक से ज्यादा कर्विलीनियर शिखर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर फोटो में आप देखिए जैसे हमारे पास एक ये है फिर एक ये है फिर एक ये है फिर एक ये है तो ऐसे बहुत सारे कर्विलीनियर शिखर हो सकते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन साउथ इंडिया में जो पिरामिडिकल टावर होता है वो जो पिरामिडिकल विमान होता है वो सिर्फ एक ही होता है मल्टीपल पिरामिडिकल विमान नहीं होते हैं ठीक है तो ये और इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो श्राइन होता है श्राइन जो अपना ओरिजिनली गुप्ता पीरियड के अंदर सबसे सिंपल टाइप के मंदिर बनते थे तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ श्राइन होता था जहां पर डेटी को प्लेस किया जाता था तो जो श्राइन होता है वो हमारे को तीन तरह का मिलता है एक श्राइन होता है संधार टाइप का जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता एक होता है निरंधर टाइप का जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है और तीसरा होता है सर्वतो भद्र वो श्राइन जिसको आप किसी भी साइड से एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी सीधे आपको श्राइन के अंदर एंट्री मिल जाएगी ठीक है तो ये जो तीन टाइप्स होते हैं और इनके मीनिंग क्या है इनको याद रखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर का फेवरेट टॉपिक है एंशियंट इंडियन टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो इनको ठीक से याद रखना है अर्लीस्ट टेम्पल्स की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स तो मैंने आपको बताया कि जो अपना क्लोज टेम्पल होता है उनके पहले जो स्पेसिमेन हमारे पास आते हैं ये गुप्ता पीरियड से आते हैं गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो टेम्पल्स आ रहे हैं अर्लीस्ट टेम्पल्स वो ब्रिक में बने हुए हैं और ये हमें मिलते हैं भीटारी भीटार गांव भीटार गांव एंड देवगढ़ और काय में बने हुए हैं ब्रिक में बने हुए हैं ये तीनों जगह उत्तर प्रदेश में है इसमें स्टूडेंट्स देवगढ़ में जो टेम्पल है उसका नाम है दशवतार टेम्पल और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है सिर्फ श्राइन है इसके अंदर और ये जो पिरामिडिकल जो अपने पास कर्विलीनियर शिखर है या फिर मंडप हो गया इस तरह के जो एडिशन है ये आगे जाके आगे आने वाले टेम्पल्स में शुरू होंगे इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको एंशंट इंडिया में बताया था कि हमारे जो बड़े साइज के टेम्पल स्टोन में बनने शुरू होते हैं वो एक्चुअली पल्लव और चालुक्यास के अंदर शुरू होते हैं के अंदर अपने पास रिलेटिवली बहुत कम एक्सम्पल तो अभी तक का की टेक अवे क्या है अभी तक के की टेक अवे में हमने सारे बेसिक पार्ट्स देख लिए हैं ठीक है बेसिक पार्ट्स देख लिए हैं टेम्पल के गर्भगृह क्या होता है मंडप क्या होता है अर्ध मंडप क्या होता है उसके अलावा करवीलिनियर शिखर क्या होता है पिरामिडिकल विमान क्या होता है उसके अलावा हमने दो टाइप के टेम्पल का डिस्कशन किया कि भाई एक तो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल होते हैं एक रॉक कट टेम्पल होते हैं उसके अलावा हमने देखा पहले के टेम्पल्स में सिर्फ श्राइन बनता था और ये जो श्राइन होता था ये तीन कैटेगरी का होता था संधार निरंधर और सर्वतो भद्र इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने तीन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन का डिस्कशन करना शुरू करेंगे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो मेजरली इनिशियल जो टेम्पल्स बनते थे वो तीन स्टाइल के होते थे नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन एंड मिक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बनते थे इसको अपन कहते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल बनते हैं उनको हम कहते हैं द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल्स और उसके अलावा हमारे पास एक तीसरी स्टाइल ऑफ टेंपल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इन वेसर। वेसर टेम्पल्स तो के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टाइल होती है एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहा जाता है पंचयतन स्टाइल पंचयतन स्टाइल के अंदर जो मंदिर होता है वो कैसे बनता है एक मंदिर होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल श्राइन होता है जो एक मेन डेटी का हो सकता है ये जो सेंट्रल श्राइन होता है इसके चार तरफ चार और श्राइन्स होते हैं इस फोटो से आप समझ सकते हैं ये हमारा सेंट्रल श्राइन हो गया और इसके एक दो तीन चार इसके तरफ चार श्राइन्स और हो गए मोर ओवर ऐसे भी देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल श्राइन हो गया वन टू थ्री फोर इसके चार तरफ चार श्राइन्स और हैं मान लीजिए शिव टेम्पल है तो ये जो चार श्राइन होंगे इनमें क्या होगा इनकी जो फैमिली है मान लीजिए कि आपके पास में गणेश जी हो गए उसके अलावा आपके पास पार्वती हो गई तो उनके श्राइन्स हो सकते हैं ठीक है तो ये जो स्टाइल होती है पंचेतन की स्टाइल इसमें क्या होता है एक सेंटर में मेन डेटी का श्राइन है और उसके चार तरफ चार दूसरे श्राइंस होंगे जिसमें या तो उनकी फैमिली प्लेस्ड होती है या फिर उनके अलग अलग अवतार होते हैं जैसे विष्णु जी के दशक दस अवतार थे दश अवतार कहते हैं हम उसे तो विष्णु जी के चार अवतार भी उसमें हो सकते हैं कुछ मेजर एग्जाम्पल्स जो पंचयतन स्टाइल में बने हैं स्टूडेंट्स उसमें है हमारा ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो कि उड़ीसा में है और खजुराव के अंदर काफी सारे टेम्पल्स हैं जो कि पंचयतन स्टाइल में बने हैं खजुराव टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें मध्य प्रदेश में मिलता है इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां बनती थी जो भगवानों की मूर्तियां बनती हैं और जो स्कल्पचर्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आइकोनोग्राफी आइकोनोग्राफी क्या होती है आइकोनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आइकन्स या फिर स्टडी ऑफ द इमेजेस दैट फॉल विद इन दी ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं जो स्कल्पचर्स हैं इनकी स्टडी को हम कहते हैं आइकोनोग्राफी यहां पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और सिंबल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं लिटरेरी टेक्स्ट या माइथोलॉजी जो उनके साथ एसोसिएटेड होती है उनसे कंपेयर करते हैं और फिर अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो इनकी प्लेसमेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग होती है फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई नॉर्थ इंडिया का अगर आप कोई नागर टेम्पल एंटर कर रहे हैं तो उसका जो एंट्री गेट है ठीक है उसकी जो एंट्री होती है उसपे जो स्कल्पचर्स होते हैं वहां पे आपको रिवर गॉडेसेस जैसे कि गंगा यमुना देखने को मिलेंगी एंट्रेंस पे टेंपल की जबकि अगर आप किसी द्रविड टेंपल को एंटर कर रहे हैं तो उसके गोपुरम पे आपको द्वारपाल के स्कल्पचर मिलेंगे जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही फियर्स होते थे फियर्स द्वारपाल देखने को मिलेंगे तो यहां पे नागर और द्रविड का हमने एक और डिफरेंस देख लिया है नागर टेम्पल्स के अंदर कैसे आपको एंट्रेंस पे डेटीज़ मिलेंगे फेमिनिन रिवर ब्यूटिफुल गॉडेसेस ऑफ गंगा एंड यमुना ऑन दी अदर हैंड इफ यू आर एंटरिंग अ द्रविड टेम्पल यू विल फाइंड फियर्स लुकिंग द्वारपाल्स हु आर गार्डिंग द गेट ऑफ द गॉड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट यू विल सी कि हमार को मंदिरों के अंदर बहुत सारे इरोटिक कल्पर्स भी देखने को मिलते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे को मिथुनास मिथुना mythuna क्या होता है मिथुना का मतलब होता है कपल एम्बरेसिंग इच अदर कपल एम्ब्रेसिंग ईच अदर तो इस तरह की जो इमेजेस होती हैं आपके सामने मैंने स्क्रीन पे भी ऐड कर रखी है सो कपल्स एम्ब्रेसिंग ईच अदर इरोटिक इमेजेस ऑल टूगेदर कैन आल्सो बी फाउंड प्लेस्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी टेंपल्स सच काइंड ऑफ इमेजेस कैन बी फाउंड एट खजुराहो टेंपल्स एंड इवन एट कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमें और कैसे स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें नवग्रह है, यानी कि जो हमारे नौ ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं उनका जो भगवान का रूप होता है उनके स्कल्पचर्स मिलते हैं उसके अलावा हमें यक्ष और यक्षिणी जो कि सेमी डिवाइन गॉड्स होते हैं रिलेटेड टू नेचर एंड फर्टिलिटी रिलेटेड टू नेचर एंड फर्टिलिटी तो सेमी डिवाइन गॉड्स जो कि नेचर और फर्टिलिटी से एसोसिएटेड होते हैं इनको हम यक्ष कहते हैं इनकी बात हमने ऑलरेडी करी थी पोस्ट मॉरियन sculptures में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनको भी कभी कभी आप टेम्पल की एंट्रीज पर उन्हें अडॉन करते हुए देखेंगे तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया गंगा यमुना goddesses नागर टेम्पल में उसके अलावा द्वारपाल फियर्स लुक द्वारपाल द्रविड़ टेम्पल में उसके अलावा हम देखते हैं कि मंदिरों में इन जनरल हमारे को मिथुना स्कल्पचर नवग्रह के स्कल्पचर और यक्षा यक्षिनी के स्कल्पचर्स मिलते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को और कैसे स्कल्पचर्स मिलते हैं हमें मिलते हैं अष्ट दिकपाल अष्ट दिकपाल क्या है स्टूडेंट्स ये आठ डेटी है आठ कार्डिनल डायरेक्शन के तो हमारे पास हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट फिर हमारे पास हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ठीक है ये हमारी आठ कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई और इनको प्रोटेक्ट करने वाले जो डेटीज होते हैं उन्हें कहा जाता है अष्ट दिख और ये भी हमें मंदिरों के बाहर के वॉल्स के ऊपर मिलते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास पंचयतन स्टाइल का टेम्पल है और सब्सिडरी श्राइन के अलावा हैं तो तो उनमें आपको या तो फैमिली मिलेगी उस मेन गॉड की या फिर मेन गॉड के इनकारनेशन मिल सकते हैं जैसे कि विष्णु भगवान के दस इनकारनेशन थे तो उनमें से कोई चार इनकारनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह के जो स्कल्पचर्स हैं और जो श्राइन्स हैं वो टेम्पल्स को अडॉन करते हैं नागर और द्रविड स्टाइल के अंदर इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कशन करते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या नागर स्टाइल्स में क्या स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं और द्रविड स्टाइल के अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर नागर टेम्पल्स की बात करी जाए तो ये डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई स्टेयर्स होती हैं जिन्हें हम पीठ कहते हैं फिर हम मंडप पे पहुंचते हैं मंडप के आगे गर्भगृह होता है उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे शिखर वाली बात मैंने आपको बताई थी हमारे पास में मल्टीपल मल्टीपल शिखर हैं ठीक है जबकि पिरामिडिकल विमान एक ही होता है तो मल्टीपल राइजिंग शिखर हमारे पास होते हैं और नॉर्थ इंडिया के टेंपल्स में नागर टेंपल्स के अंदर आप देखेंगे कि गर्भगृह जो होता है वो सबसे टॉलेस्ट शिखर के नीचे होता है तो अगर हम एस एम की बात करें तो गर्भगृह जो है वो डायरेक्टली सबसे टॉलेस्ट शिखर के नीचे लोकेटेड होता है ठीक है गर्भगृह इज जनरली दी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल और उसके आगे ही एक्सटेंशन किया जाता है तो गर्भगृह के ऊपर जो टावर बनाया जाता है वो सबसे बड़े साइज का होता है और बाकी कंपैरेटिवली उससे छोटे होते हैं बाकी जितने भी फीचर्स हैं स्टूडेंट उनका हम डिस्कशन कर चुके हैं जैसे कि नागर टेंपल्स के अंदर बाउंड्री वॉल या गेटवे नहीं होता उसके अलावा स्टोन प्लेटफॉर्म से हम सीधे ऊपर चले जाते हैं मंदिर के अंदर और शेप जो होती है शिखर की वो कर्वी लीनियर होती है और जो शिखर होता है सबसे बड़ा जो शिखर होता है उसके डायरेक्टली नीचे होता है गर्भगृह इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं पहले नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल के जो मेन टेम्पल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं फिर द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स के फीचर्स और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे स्टूडेंट्स अगर हम नागर स्टाइल के टेम्पल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नागर स्टाइल के टेम्पल्स जो हैं वो किन डायनेस्टीज के अंदर बने हैं पहले इनका डिस्कशन करते हैं तो सबसे ज्यादा नागर स्टाइल के टेम्पल्स जो है इनको पेटरनाइज किया नंबर वन गुप्ताज ने फिर हमारे पास चांदेल डायनेस्टी आती है चांडेल डायनेस्टी स्टूडेंट एक राजपूत डायनेस्टी है जो कि गुर्जर प्रतिहारा जो कि गुर्जर प्रतिहारा के टूटने के बाद में पावर में आई थी उसके अलावा नागर स्टाइल के टेम्पल्स हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं इसको हम स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कलिंग स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का तो आई एम श्योर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं राजस्थान और गुजरात के अंदर जो राजपूत डायनेस्टीज थी वो भी नागर स्टाइल में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाया करती थी तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये मेजर डायनेस्टीज हो गई जो कि नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं इनको पेटरनाइज कर रही हैं एक एक करके हर डायनेस्टी के मेन टेम्पल्स के एग्जाम्पल हम ले लेंगे पे स्टूडेंट्स गुप्ताज की अगर हम बात करें तो गुप्ताज जो है ब्रिक और स्टोन दोनों के अंदर टेम्पल बनवाते थे स्टोन टेम्पल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्टोन में बहुत कम टेम्पल बने हुए हैं ब्रिक में में ज्यादा बने हुए थे स्टोन हमारे पास एक टेम्पल है सांची के अंदर सांची जो है स्टूडेंट सांची एक सिर्फ स्तूप नहीं है सांची एक पूरा कॉम्प्लेक्स है रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमार को एक टेम्पल मिलता है टेम्पल नंबर सेवेंटीन और ये गुप्ताज ने बनवाया था उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं गुप्ता से एसोसिएटेड एक और टेम्पल है जिसका नाम है कंकाली देवी जो कि टिवागा में है उसके अलावा हमारे पास एक पार्वती टेम्पल है जो कि कथुरा में है फिर हमारे पास एक शिव टेम्पल है भूमरा में और उसके अलावा हमारे पास ब्रिक टेम्पल्स हैं जैसे कि दश अवतार टेम्पल देवगढ़ और फिर भीटार गांव के टेम्पल्स अलोंग विद भीटारी टेम्पल्स तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम के सारे टेम्पल्स के नाम याद करने पड़ेंगे बेसिकली हमने बहुत ही कम टेम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ज्यादातर अमार को उन टेम्पल्स के ऊपर ध्यान देना है जो कि न्यूज में आ रहे हैं ठीक है कोई टेम्पल न्यूज में आ रहा है किसी टेम्पल में मोदी जरूर से विजिट करके आए हैं या किसी टेम्पल को बेटर करने के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसपे लग से काम कर रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्पल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो तो इस तरह के जो टेम्पल्स हो गए उन उनपे ज्यादा ध्यान देना है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत कंसाइज टेम्पल्स लिए हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं क्योंकि अगर हम गुप्ताज के अंदर सिर्फ एक या दो टेम्पल के ही नाम लेंगे तो कोई फायदा नहीं है गुप्ताज ने ऑलरेडी जिनके फिंगर टिप्स पे टेम्पल्स बनवाए हैं ज्यादा टेम्पल्स बनवाए ही नहीं है इन्होंने तो हमने सबसे मेन मेन टेम्पल्स का डिस्कशन किया है ये सारे जो है स्टूडेंट्स जिन टेम्पल्स का हमने अभी डिस्कशन किया ये सब फ्री स्टैंडिंग है इसके अलावा गुप्ताज ने कुछ केव टेम्पल्स को भी पिटरनाइज किया था यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में मध्य प्रदेश में केव्स हैं उदयगिरी केव्स स्टूडेंट्स ये उदयगिरी केव्स उड़ीसा के उदयगिरी केव्स से अलग हैं ठीक है इंडिया में बहुत सारी केव्स हैं जिनको उदयगिरी केवस कहा जाता है ये वाली केव्स एमपी के अंदर है और ये जो एमपी वाली केव्स हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें बीस रॉकट चेंबर्स मिलते हैं जो कि गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं और इनमें से दो चेम्बर्स के अंदर हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है जो कि चंद्रगुप्त टू के पीरियड की थी तो यहां पर स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि गुप्ताज ने टेम्पल्स बनवाए थे उदयगिरी मध्य प्रदेश में और चंद्रगुप्त टू की रेन में ये बने हैं इस तरह के एग्जांपल सीधे सीधे आपके पास मैच द फॉलोइंग या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं अगेन स्टूडेंट्स टेम्पल आर्किटेक्चर से हर साल क्वेश्चन आता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम उदयगिरी केव्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इन बीस रॉक कट केव्स में से है केव नंबर फाइव जिसको वराहा केव बोला जाता है यहां पे स्टूडेंट्स हमें एक बहुत बड़ी विष्णु भगवान के वराह अवतार की इमेज मिलती है वराह अवतार क्या था जिसमें विष्णु भगवान एक बोर में कन्वर्ट हो गए थे और उन्होंने पृथ्वी जो है उसको एक बड़े फ्लड से बचाया था उससे निकाल लिया था ठीक है तो वराह अवतार जो है उसकी एक बड़ी पेंटिंग हमारे को केव नंबर फाइव से मिलती है उदयगिरी जो कि एमपी में है और किसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुए हैं ये चंद्रगुप्त टू के अंडर कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है नॉट अ पेंटिंग स्टूडेंट सॉरी इट्स अ स्कल्पचर इट्स अ रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर ऑफ द विष्णु अवतार ऑफ द बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु विच इज नोन एज वराह अवतार वेर इन ही इज रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस फ्रॉम दी के इन दी प्रेजेंस ऑफ अडोरिंग गॉड्स एंड सेंट्स तो यहाँ पे केस क्या है एक बड़ा सा फ्लड आ रहा था उसमें से उन्होंने अर्थ को बचाया है और बराह अवतार जो है इसमें इनकी बोर वाली इनकारनेशन है तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स गुप्ता टेम्पल्स में फ्री स्टैंडिंग कौन से थे और केव टेम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसका डिस्कशन है इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और दूसरी डायनेस्टीज के टेम्पल्स देखना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स राजपूत किंगडम्स में जो हमारे पास सबसे पहली मेजर डायनेस्टी है वो है गुर्जर प्रतिहारस गुर्जर प्रतिहारस जब टूटेंगे तो उनके बाद में हम देखते हैं बहुत सारे राजपूत क्लैंस आ जाएंगे तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारस के मंदिर दे, देखते हैं और फिर उसके बाद में उनके फर्दर जो राजपूत क्लैंस में वो टूटते हैं उनके मंदिर देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स गुर्जर प्रतिहारा की अगर हम बात करें तो इनके अंडर एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशल टेम्पल है जिसका नाम है तेली का मंदिर तेली का मंदिर जो है स्टूडेंट्स ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है और ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्रतिहार टेम्पल है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है स्टूडेंट्स वो ये है कि ऑल दो ये नागर स्टाइल का टेम्पल है लेकिन इसका जो शिखर है वो पिरामिड के शेप में है और द्रविडियन आर्किटेक्चर का बना हुआ है तो ये एक अनोमली है और इस तरह के स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में आ सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा टेम्पल है जो कि नागर स्टाइल में बना हुआ है नॉर्थ इंडिया के अंदर है बट शिखर उसका पिरामिडिकल है तो इसका आंसर होगा तेली का मंदिर ऐसा ही सिमिलर स्टाइल का गुर्जर प्रतिहारा का एक और मंदिर है जिसका नाम है घाटेश्वर मंदिर स्टूडेंट्स और ये भी एमपी में है इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो शिखर है वो पिरामिडिकल है तो यहाँ पे ये दोनों अनोमली हैं और एकदम यूनिक टेम्पल हो गए इस वजह से इनको आपको याद रखना है इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारी चांडेल डायनेस्टी आती है चांडेल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इनके अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे खूबसूरत खजुराव टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बनवाए गए हैं स्टूडेंट्स चांडेला जो हैं ये बुंदेलखंड के राजा थे और इनके अंडर हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर आपके खजुराओ के टेम्पल्स बन रहे हैं ये जो टेम्पल है आ, एरिया है स्टूडेंट्स इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे टेम्पल्स हैं इसलिए इसको हम एक क्लस्टर ऑफ टेम्पल यानी कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो ये चांडेलास की अगर हम बात करें तो ये कौन है गुर्जर प्रतिहारा के फ्यूडेट्रीज से आगे जाके इंडिपेंडेंट हो गए फिर खजुराओ जो कि इनकी कैपिटल सिटी है इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे ब्यूटिफुल टेम्पल्स बनवाए हैं खजरा टेम्पल्स की स्टोन अगर हम बात करें तो इनकी खासियत यह है कि एक तो इनके अंदर ग्रेनाइट यूज हो रहा है ग्रेनाइट जो है इसकी क्या खासियत है ग्रेनाइट एक महंगा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोन आप देखेंगे जो सैंडस्टोन भी यहाँ यूज हो रहा है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का है और ये अलग अलग कलर में हमें मिलता है जैसे कि बफ पिंक पेल येलो बफ का मतलब क्या होता है बफ का मतलब होता है ऑरेंजिश ब्राउन ठीक है तो ऑरेंजिश ब्राउन पिंक पेल येलो एंड उसके अलावा हमारे ग्रेनाइट का यूज मिल रहा है विच इज एन एक्सपेंसिव मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे शेवाइट शिव प्लस विष्णु प्लस शक्ति कल्ट और उसके अलावा जैन टेम्पल्स ये सारे टेम्पल्स आपको खजुराओं के अंदर देखने को मिलेंगे यहां शक्ति कल्ट का एक बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है जिसका नाम है चौसठ योगिनी टेम्पल इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है चौसठ योगिनी जो है स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली ग्रेनाइट का बना हुआ है और इसकी जो खासियत है स्टूडेंट्स ये सर्क्यूलर शेप में टेम्पल बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो शेप है उसने हमारी कंटेम्परिरी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको भी इंस्पायर किया है तो पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्चर है दैट इज इंस्पायर्ड बाय दी चौसठ योगिनी टेम्पल विच इज पार्ट ऑफ खजुरा विच वर बिल्ट अंडर चांडेलाज अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे को यहाँ पे निरंधर और संधार टाइप के टेम्पल्स मिलते हैं यानी कि निरंधर का मतलब क्या होता है जिसके अंदर प्रदक्षिणापथ होता है और संधार का मतलब क्या होता है जिसमें प्रदक्षिणापथ नहीं होता तो दोनों टाइप के श्राइन्स जो हैं हमें खजुराओं के टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो खजुराओ के टेम्पल्स हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट है साइज के अंदर उसमें है हमारे पास कन्दरीय महादेव टेम्पल लक्ष्मण टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शैवाइट वैष्णवाइट शक्तिकल्ट और जैन ये सारे टेम्पल्स मिलते हैं चौसठ योगिनी क्यों पॉपुलर है शक्ति कल्ट का टेम्पल है अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट सर्कुलर है और इसकी इंस्पिरेशन इसकी जो आर्किटेक्चर है उसने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इंस्पायर किया है उसके अलावा स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास और कौन से टेम्पल्स हैं जो सबसे बड़े हैं साइज में कंदरिया महादेव लक्ष्मण और विश्वनाथ और एक और इनकी खासियत क्या है ये ग्रेनाइट के अंदर बने हैं ग्रेनाइट जो है काफी एक्सपेंसिव होता है इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एक बात है वो ये है कि खजुराव के बहुत सारे पंचयतन स्टाइल के अंदर बने हैं पंचयतन मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास एक मेन श्राइन है और फिर उसके पास में हमारे पास चार सब्सिडरी श्राइन्स हैं ठीक है तो पंचयतन स्टाइल में हमें काफी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं चांदेलास के अंदर इसके बाद में स्टूडेंट्स हम उड़ीसा के टेम्पल्स टैकल कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर जो टेम्पल्स बनते थे उनको हम कहते थे कलिंग आर्किटेक्चर उड़ीसा के अंदर हमारे पास तीन मेजर टेम्पल हैं जो कि अर्ली मिडिवल पीरियड के हैं यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टेम्पल है इसका नाम है लिंगराज टेम्पल लिंगराज टेम्पल जो है इलेवंथ सेंचुरी के अंदर बना था और ये शिव भगवान को डेडिकेटेड है ये जो टेम्पल है भुवनेश्वर सिटी का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है इस टेम्पल को स्टूडेंट सोमवंशी किंग ययाति वन ने बनवाया था और ये रेड सैंडस्टोन के अंदर बना हुआ है अपार्ट फ्रॉम दाट स्टूडेंट्स आप देखेंगे लिंगराज के अलावा जो हमारे पास दो और मेजर टेम्पल्स हैं उसमें एक तो जो उड़ीसा का सबसे पॉपुलर टेम्पल है जगन्नाथपुरी और उसके अलावा उड़ीसा में जो सन टेम्पल है is, सन टेम्पल. पहले जगन्नाथपुरी का डिस्कशन करते हैं फिर कोणार्क सन टेम्पल का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था और जिस रूलर ने इसको बनवाया था उनका नाम है अनंत वर्मन ये जो टेम्पल है ट्वेल्थ सेंचुरी का माना जाता है स्टूडेंट्स और इसको कॉलोनियल्स ने वाइट पगोडा का नाम दिया था जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे उन्होंने इसको वाइट पगोडा का नाम दिया था अबार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो हमारा तीसरा मेजर टेम्पल है उड़ीसा का वो है हमारा वेरी फेमस कोणार्क सन टेम्पल सन टेम्पल जो कोणार्क पुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये थर्टीन सेंचुरी का है मैंने आपके लिए जो टेम्पल्स है वो क्रोनोलॉजिकली ही यहां पर अरेन्ज कर रखे हैं सबसे पुराना लिंगराज फिर जगन्नाथपुरी फिर सन टेम्पल थर्टीन सेंचुरी का स्टूडेंट्स से ये टेम्पल और ये भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंदर बना था और जिस रूलर के अंदर ये बना है स्टूडेंट्स उनका नाम है नरसिंह देव वन ये जो टेम्पल है स्टूडेंट्स इसकी अगर हम बात करें तो ये सन गॉड को डेडिकेटेड है और हमें यहाँ सूर्य भगवान के चैरियट देखने को मिलते हैं अगेन स्टूडेंट सन टेम्पल्स की खासियत क्या होती है सन की मूवमेंट से टाइम प्रोडिक्ट करना एक्सेट्रा डायल्स वगैरह ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूरोपियंस हैं उनको ये टेम्पल जो है ये थोड़ा डार्क लगता था देखने में इसलिए इन्होंने इसका नाम ब्लैक पगोडा रख दिया और इन कॉन्ट्रास्ट जगन्नाथपुरी को अपन क्या बोलते हैं व्हाइट पगोडा बोलते हैं तो ये जो टाइटल्स इनको यूरोपियंस ने दिए हैं ये आप जरूर याद रखेंगे इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और राजपूत डायनेस्टी है जिनको हम कहते हैं सोलंकीज सोलंकीज की अगर हम बात करें तो सोलंकीज गुजरात के अंदर रूल कर रहे थे स्टूडेंट्स और गुजरात के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने एक और सन टेम्पल बनवाया है जो कि मोधेरा में है तो मोधेरा का जो सन टेम्पल है किसके अंदर बना है सोलंकीज के अंदर और उड़ीसा का जो सन टेम्पल है वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंदर बना है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को सोलंकीज के अंदर एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर मिलता है और वो ये है कि इनके अंडर जो टेम्पल्स बने हैं गुजरात में उनकी वॉल्स बहुत ज्यादा ही डेकोरेटेड होती थी उन पे स्कल्पचर्स पेंटिंग सब आपको मिलेंगी तो ये जो डेकोरेटेड वॉल्स होती थी स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं मंडोवरा तो ये एक स्पेसिफिक टर्म term है टर्म्स और मीनिंग्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं तो इस टर्म को आप याद रखेंगे कि भाई मंडोवरा का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डेकोरेटेड वॉल इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब द्रविडियन टेम्पल्स का डिस्कशन शुरू करते हैं हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स द्रविदन टेम्पल के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि हमने देखा है कि एक तो इसकी बाउंड्री होती है और बाउंड्री पे जो एंट्री गेट होता है उसको अपन कहते हैं गोपुरम उसके अलावा यहाँ पे शिखर अलग चीज है शिखर यहाँ पे क्राउनिंग एलिमेंट है ठीक है तो शिखर इज ओनली यूज फॉर द क्राउनिंग एलिमेंट एट द टॉप ऑन दी अदर हैंड जो हमारा टावर होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम विमान कहते हैं तो ये पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनको देखते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स आप हर द्रविडियन के अंदर बड़े बड़े आपको जरूर मिलेंगे टेम्पल के अंदर पानी के बड़े बड़े टैंक मिलेंगे उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीपल राइजिंग शिखर का कॉन्सेप्ट है वो साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है यहां पर एक सिंगल पिरामिडिकल विमान होता था यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो गर्भगृह है वो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट होता है सबसे ओल्डेस्ट जो पार्ट होता है मंदिर का उसको गर्भगृह माना जाता है और वो सबसे स्मॉलेस्ट टावर के नीचे होता है इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया गर्भगृह इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे द्रविडियन टेम्पल्स जो है उनके एग्जाम्पल्स लेने शुरू कर देंगे द्रविडियन टेम्पल्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो द्रविडियन टेम्पल्स हमारे को पल्लव के अंडर बनते हुए मिलते हैं आगे राष्ट्रपूता के अंडर बनते हुए मिलते हैं तो पल्लव और राष्ट्रपूता ही हैं जिनके सबसे मेन एग्जाम्पल हैं जो कि हम द्रविडियन टेम्पल्स में कंसिडर करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब पल्लव पावर में आते हैं तो एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि आर्यनाइजेशन हो गई थी साउथ इंडिया की ये जो आर्यनाइजेशन है स्टूडेंट्स ये कैसे हो रही है हम देख रहे हैं कि भाई स्टोन टेम्पल्स बनने लगे हैं और ब्रमानिकल कल्चर बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है साउथ इंडिया में इससे पहले यहाँ का लोकल ट्राइबल कल्चर था उसके अलावा जैनिज्म बुद्धिज्म थे तो जो सेकंड हिस्टोरिकल फेज है जिसमें पल्लव चालुक्यस और पांड्य पावर में आते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं कि पल्लव खास करके स्टोन के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट टेंपल्स बनवाना शुरू कर देते हैं यहां पे पल्लव की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु पल्लव ऑफ कांची बोलते हैं हम इनको तमिलनाडु के एरिया के अंदर ये बैठे हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टोन के अंदर बहुत सारे टेंपल्स बनवा रहे हैं और इनके जो टेंपल्स हैं स्टूडेंट्स उसमें आप देखेंगे हमें रॉक कट टेम्पल भी मिलते हैं और उसके अलावा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ स्ट्रक्चरल का मतलब होता है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स तो हमें रॉक कट टेम्पल्स भी मिलते हैं और स्ट्रक्चरल फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स दोनों टाइप के एग्जाम्पल पल्लव के अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे पल्लव का जो प्राइमरी फेथ था वो शैविज्म था ये लोग प्राइमरी शेवाइट्स थे शिव भगवान की भक्ति करते थे लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें विष्णु भगवान के श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं जिनको पल्लव ने बनवाया ठीक है स्टूडेंट्स इसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से कौन से टेम्पल्स पल्लव के अंदर बनवाए गए यहाँ पे स्टूडेंट्स अर्ली जो हमारे पास बिल्डिंग्स यानी जो अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं वो रॉकट है जबकि आगे जो टेम्पल्स आने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल होने वाले हैं यानी फ्री स्टैंडिंग होने वाले हैं। जो रॉक कट टेम्पल्स बने थे स्टूडेंट्स वो बनते हैं महेंद्र वर्मन वन की रेन में महेंद्र वर्मन वन का डिस्कशन हमने किया था इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुलकेशन टू ने इनको डिफीट कर दिया था ठीक है पुलिकेशन टू जो कि एक चालुक्यन रूलर है उन्होंने इनको डिफीट कर दिया था लेकिन महेंद्र वर्मन वन के अंडर हम देखते हैं हमें जो है अर्ली बिल्डिंग्स देखने को अर्ली टेम्पल्स देखने को मिलते हैं महेंद्र वर्मन वन को उनके बेटे सक्सीड करते हैं जिनका नाम है नरसिमह वर्मन वन नरसिम्हा वर्मन वन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने पुलकेशन टू को डिफीट करके मार दिया था और अपने पिता का बदला ले लिया था इस खुशी में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने एक तो ममला का टाइटल लिया है द ग्रेट कॉन्करर अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स इन्होंने इसी के तहत एक सिटी बनवाई जिसका नाम है महाबलीपुरम या फिर हम इसको ममलापुरम भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमें सबसे ब्यूटीफुल पल्लव टेंपल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम महाबलीपुरम कट टेंपल्स भी बोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ये रॉकट रॉक रॉकट केव्स हैं बेसिकली ये है, यानी कि हमने पत्थरों को काट काट के इन मंदिरों को बनाया है यहां पे स्टूडेंट्स महाबलीपुरम की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केव टेम्पल्स है सबसे इंपॉर्टेंट केव्स हैं उसमें एक का नाम है कोनेरी मंडप दूसरी है महिषा मर्दिनी केव और तीसरी है वराहा मंडप केव अपार्ट फ्रॉम दैट देखेंगे ये सारी ही जो केव्स हैं जो सारे केव्स हैं सारे रॉक कट टेम्पल्स हैं इनके ऊपर आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए मिलेंगे इस पर्टिकुलर फोटो से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर केव में ये तो सिर्फ एक दीवार है कि इनके ऊपर कितने सारे स्कल्पचर्स एड कराए जाते थे यहां पे स्टूडेंट्स कुछ नोटवर्दी स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में रिलीफ स्कल्पचर्स हैं रिलीफ और फ्री स्टैंडिंग ये भी मैंने आपको बताया था रिलीफ स्कल्पचर का मतलब क्या होता है रिलीफ स्कल्पचर्स आर वॉल एम्बेडेड स्कल्पचर्स उसी की जगह अगर हम बोले फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है तो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर क्या होता है जिसके पीछे कोई सहारा नहीं होता लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर फोटो को देखेंगे तो ये सारे रिलीफ स्कल्पचर है यानी कि ये इस रॉक के अंदर से कार किए जा रहे हैं ठीक है तो इनको हम रिलीफ स्कल्पचर्स बोलेंगे और हमारे पास कुछ नोटवर्दी रिलीफ स्कल्पचर्स हैं जो कि हमारे को महाबलीपुरम टेम्पल में देखने को मिलते हैं जैसे कि महिषासुर मर्दिनी जो है ये एक डिपिक्शन है स्टूडेंट्स इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में महिषासुर जो है एक असुर थे इनका मर्डर हो रहा है इनको मारा जा रहा है तो उसका स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसके अलावा हमें गिरी गोवर्धन पैनल मिलता है एक हमें मिलता है डिसेंट ऑफ गंगा का पैनल उसके अलावा हमें त्रिविक्रम विष्णु का जो स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलता है उसके अलावा हमें गजलक्ष्मी और अनंत शयनम जिसमें विष्णु जी जो है अपने शेषनाग के ऊपर बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं. इस तरह के हमारे को स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इन सब के आप नाम याद कर लें। पूरी, पूरी माइथोलॉजिकल स्टोरी तो याद करने की जरूरत नहीं है इसमें से ये वाला जो पैनल है डिसेंट ऑफ गंगा ये बहुत पॉपुलर है इसी की वजह से महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला था क्योंकि ये पैनल बहुत ज्यादा सुंदर है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको टैग भी मिला हुआ है और उसके अलावा जो पैनल सबसे पॉपुलर है उसका नाम है डिसेंट ऑफ गंगा इस पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो पैनल है ये हमें कौन से मंदिर से मिलता है और आंसर होगा महाबलीपुरम इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे को मोनोलिथिक रथ यानी कि एक ही रॉक के अंदर से कार किए हुए रथ यानी कि चैरियट बने हुए मिलते हैं और ये चैरियट जो है students, ये टेम्पल्स का पार्ट होते थे इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई वर्मन और महेंद्र वर्मन के अंदर तो रॉक कट टेम्पल्स बने हैं इसके बाद आगे आते हैं राज सिम्ह राज जो है स्टूडेंट्स इनका एक्चुअल नाम है नरसिमह वर्मन टू तो नरसिमह वर्मन टू को हम राज भी बोलते हैं और इनके अंडर हम देखते हैं कि हमारे पास फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स आ गए हैं ये जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स है स्टूडेंट्स जो कि नरसिमह वर्मन टू की रेन में यानी कि राज सिमह टू की रेन में बने हैं इसमें से सबसे पॉपुलर टेम्पल जो है उसका नाम है शोर टेम्पल शोर टेम्पल को शोर टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्पल जो है शोर पे बना हुआ है इसके सामने पूरी सी पड़ती है तो ये जो है स्टूडेंट्स कहाँ बन रहा है नरसिम्हा वर्मन की रेन में बन रहा है जिनको राज भी कहा जाता है स्टूडेंट्स इस टेम्पल की एक बहुत ही अच्छी एक बहुत खासियत है जिसकी वजह से ये स्टैंड आउट करता है बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है इसमें हमारे पास तीन श्राइन है जिसमें से दो शिव भगवान के हैं लेकिन एक विष्णु भगवान का है तो जनरली क्या होता है टेम्पल या तो शिव भगवान का होता है या विष्णु भगवान का होता है लेकिन शोर टेम्पल जो है इसमें आपको दोनों भगवान के श्राइन मिल जाएंगे शिव के और विष्णु के और एक अनॉर्मली फीचर है तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं कि भाई इन नीचे दिए गए कौन से टेम्पल में से ऐसा टेम्पल है जिसमें शिव और विष्णु दोनों के श्राइन हमें मिलते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे को यहाँ पे बुल जो नंदी है स्कल्पचर्स ऑफ नंदी उसके अलावा हमारे को शिव भगवान के जो स्कल्पचर्स हैं वो टेम्पल्स की वॉल्स जो है उनको अडॉन करते हुए मिलते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दो और पॉपुलर हैं पल्लव पीरियड के एक है हमारा कैलाशनाथ टेम्पल और दूसरा है हमारा वैकुंठ पेरुमल टेम्पल तो यहाँ पे ये कुछ मेजर टेम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जिसका हमने डिस्कशन किया है इसके साथ आगे बढ़ते हैं और द्रविडियन टेम्पल्स राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर जो बने हैं उनका डिस्कशन करना शुरू करते हैं चालुक्य राष्ट्रपूतास की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपूता डायनेस्टी कौन सी है हमने देखा था कि मिडिल ऑफ एथ सेंचुरी में यानी कि 750 फिफ्टी एडी आते आते ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लिए जिसमें हमारे पास थे पालास प्रतिहारस और राष्ट्रकूतास तो वहां पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि एक मेजर पावर है जो कि पहले चालुक्यास के फ्यूडेट्रीज थे और फिर इन्होंने चालुक्यास से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी उनको खत्म कर दिया और उनकी जगह पावर में आ गए यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम राष्ट्रपूताज की बात करें तो इनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है स्टूडेंट्स ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये राष्ट्रपूत किंग कृष्ण वन की रेन में बना था इन दिडल ऑफ एथ सेंचुरी एडी इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो टेम्पल है इसके आपको पिक्चर दिखाती हूं मैं तो ये मोनोलिथिक टेम्पल है ये इतनी बड़ी रॉक में से टॉप टू बॉटम कार्व किया गया है तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो कार्विंग है ये कोई नॉर्मल स्कल्प्टर नहीं कर सकता

और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे एलोरा में कौन सी केव के अंदर है केव नंबर केव का नाम है कैलाश लेनी केव का नाम है कैलाश लेनी और इसके अंदर हमारे को मिलता है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का ये पूरा द्रविडियन बिल्डिंग है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम देखते हैं नंदी श्राइन है और टेम्पल का नाम ही कैलाशनाथ है तो इट इज डेडिकेटेड टू तो लॉर्ड शिवा यहां पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इमेज पर आप ध्यान देंगे ये इमेज जो है मैंने सीसीआरटी से ली है सीसीआरटी के अंदर आप फोटोज देख लेना सीसीआरटी की फोटोज में वही पैनल्स दिखाए गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके एग्जाम्स में आने की लाइकलीहुड होती है तो अपना कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा का इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर स्कल्पचर है स्टूडेंट्स उसका नाम है रावण शेकिंग माउंट कैलाश तो रावण जो है वो एक बार उनका और शिव जी का एक, एक एपिसोड है ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं आपको पूरी स्टोरी में जाने की जरूरत नहीं है बट यहाँ एपिसोड बिटवीन रावण एंड लॉर्ड शिव वेर ही इज शेकिंग द माउंट कैलाश अपॉन विच लॉर्ड शिव इज सिटिंग तो ये जो डिपिक्शन है स्कल्पचर के थ्रू ये सबसे खूबसूरत माना जाता है अपने कैलाशनाथ नाथ टेम्पल के अंदर इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और तीसरी मेजर डायनेस्टी जिसने सबसे खूबसूरत द्रविडियन टेम्पल्स बनवाए हैं उनका डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स ये हैं चोलास चोलास की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो चोल डायनेस्टी जो है वो पहले हमारे पास संगम पीरियड में थी और संगम पीरियड के बाद हम देखते हैं कि ये जो चोल डायनेस्टी है इसका दोबारा से उदय होता है टेंथ सेंचुरी के आसपास जिस टाइम पे हम इन्हें कहने लगते हैं इंपीरियल चोलास यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे दो मेजर चोल रूलर्स थे जो सबसे पॉपुलर थे वो थे राजा राजा चोल और उसके अलावा हमारे पास थे राजेंद्र वन तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजा राजा चोल जो है उन्होंने अपनी कैपिटल थंजावुर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी माना जाता है बृहदीश्वर या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया था जो कि वन तक कंप्लीट हुआ था इसको इंडिया के सबसे टॉलेस्ट और लार्जेस्ट टेम्पल्स के अंदर गिना जाता है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो टेम्पल है इसमें मोनोलिथिक शिखर है मोनोलिथिक का मतलब अगेन एक ही पत्थर में से पूरा कार हुआ हुआ है तो ये मोनोलिथिक शिखर है और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो शिखर बना है ये ग्रेनाइट का बनाया हुआ है अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स चोला जो हैं उनके अंडर हमारे पास तीन सबसे मेजर टेम्पल्स हैं ठीक है ये तीन टेम्पल जो हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया हुआ है जिन्हें हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी बोलते हैं लिविंग क्यों क्योंकि ये आज तक यूज में है यहां पे स्टूड से जो तीन टेम्पल है इसमें से एक का डिस्कशन हम कर चुके हैं दैट इज योर बृहदीश्वर टेम्पल जो कि थंजावर में है स्टूडेंट्स इसी बृहदीश्वर टेम्पल को प्रोटोटाइप बना के राजा राजा चोल के बेटे यानी कि राजेंद्र वन जो है उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम जो कि एक नई सिटी उन्होंने बसाई थी नॉर्थ इंडिया के कुछ एम्पायर्स को कैप्चर करने के बाद उसमें बृहदीश्वर जैसा ही एक टेम्पल बनवाया और उस टेम्पल को हम या तो गंगई चोलपुरम टेम्पल बोलते हैं या फिर हम उसे बृहदीश्वर टेम्पल भी बोलते हैं तो दो बृहदीश्वर टेम्पल है हमारे पास एक ठंजावुर में है और दूसरा कहाँ पे है गंगई कोड चोलपुरम में है इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत जो तीसरा टेम्पल आता है उसका नाम है एरावतेश्वर टेम्पल और ये दारासुरम में है यहां पे स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया राजेंद्र वन ने ये सिटी बनवाई गंगई कोड चोलपुरम कब बनवाई ये जब इन्होंने गंगा को पार करके कुछ नॉर्थ इंडिया के एम्पायर को कैप्चर कर लिया था उसके बाद में इन्होंने अपने पिता ने जैसा बृहदीश्वर टेम्पल बनवाया था उसको प्रोटोटाइप लेके उतना बड़ा तो नहीं उससे थोड़ा छोटा है पर ने, आ, सेम नेम का टेम्पल बनवाया है जिसे हम कहते हैं बृहदीश्वर टेम्पल इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ट्वेल्थ सेंचुरी का टेम्पल है एरावतेश्वर टेम्पल जो कि दारासुरम में है इस टेम्पल को स्टूडेंट्स किसने बनवाया है इसको राजा राजा चोल टू ने बनवाया है ये तीनों टेम्पल के नाम हमें याद रखने हैं। ये तीनों मिला के ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बनते हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग अपने पास लेकर बैठे इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और वेसर टेम्पल्स का डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स वेसर कौन सी स्टाइल होती है वेसर वो स्टाइल होती है जिसमें हमें नागर और द्रविड दोनों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं तो जिसमें नागर और द्रविड दोनों है उसे हम क्या कहते हैं वेसर स्टाइल ऑफ टेंपल बोलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे वेसर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उसके तहत चालुक्यास हो और विजयनगर किंगडम जो है उन्होंने काफी ब्यूटिफुल टेम्पल्स बनवाए हैं सबसे पहले चालुक्यन टेम्पल्स की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे पुराने हैं बीच में आती है डायनेस्टी हॉइसाल डायनेस्टी अपन ने ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरी के अंडर देखी थी फिर उसके बाद में विजयनगर किंगडम की अगर हम बात करें तो वो तो मिडिल ऑफ फोर्टीन सेंचुरी में आता है जब मोहम्मद बिन तुगलक से वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं तो यहां पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चालुक्य जो हैं इनके अंडर हमारे पहले जो रूलर हैं पुलकेशन वन इन्होंने चालुक्यन एम्पायर को बसाया यहाँ पे जो अर्ली चालुक्यास हैं, ये क्या कर रहे हैं ये हाइब्रिडाइज्ड यानी कि नागर और द्रविड स्टाइल दोनों मिक्स करके टेम्पल्स बनवा रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे पॉपुलर टेम्पल्स हैं चालुक्यास के वो लोकेटेड हैं एट प्लेसेस सच एज पट्टाडकल, देन वी हैव टेम्पल्स एट आईहोल एंड देन वी हैव टेम्पल्स एट बादामी बादामी जो कि इनकी कैपिटल भी थी जिसको हम बातापी भी बोलते हैं तो इन तीन जगहों पे हमें चालुक्यास के टेम्पल्स मिलते हैं इसमें स्टूडेंट्स अगर हम पट्टाडकल की बात करें तो पट्टाडकल का जो सबसे पॉपुलर टेम्पल है इसका नाम है विरूपक्षा टेम्पल और ये जो वीरूपक्षर टेम्पल है स्टूडेंट्स इसकी खासियत ये है कि इसको एक क्वीन ने कमीशन करवाया था ये जो क्वीन है इनका नाम है लोक महादेवी और ये विक्रमादित्य टू जो कि एक चालुक्यन किंग है उनकी वाइफ थी और इन्होंने वीरूपक्षा टेम्पल पट्टाडकल के अंदर बनवाया है इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में पट्टाडकल में ही एक और टेम्पल है जिसका नाम है पापनाथ टेम्पल और इसको भी लोक महादेवी के अंडर ही कमीशन करवाया गया था ये दोनों के दोनों जो टेम्पल है स्टूडेंट्स शिव भगवान को डेडिकेटेड है चालुक्य जो है ये भी प्राइमरीली शैवाइट्स थे पट्टाडकल के अलावा हमारे पास दूसरी कौन सी जगह है जो बहुत पॉपुलर है टेम्पल्स के लिए चालुक्यन टेम्पल्स के लिए ये है बादामी बादामी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अभी तक जिन टेम्पल्स के हमने बात करी है ये फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हैं लेकिन बादामी के अंदर हमें रॉकट केव टेम्पल्स मिलते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रॉकट केव टेम्पल्स हैं इसके अंदर हमारे को मेजरली चार केव मिलती हैं जिसमें से तीन हिंदू हैं और एक जैन फेथ को बिलोंग करती है जिसमें कि पर्श्वनाथ जो कि हमारे तेईसवें तीर्थंकर थे उनको डेडिकेट किया हुआ है ये वाला मंदिर तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और खासियत याद रखनी है कि बादामी केव टेम्पल्स में एक केव जैन फेथ की है इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास यूपीएससी में आ जाएंगे इसके अलावा स्टूडेंट्स आई होल में जो सबसे पॉपुलर टेंपल है हमारा चालुक्यन पीरियड का इसका नाम है लद खान टेम्पल लद खान टेम्पल जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर एक तो वुड का काम हो रहा है वुड का काम साउथ इंडिया में बिल्कुल पॉपुलर नहीं था इनफैक्ट वुड का काम आपको हिली एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है हिमाचल जम्मू कश्मीर इन एरियाज में ज्यादा वुड का काम मिलता है लेकिन ये एक कनॉर्मली है कि लद्द खान टेम्पल जो है इसमें वुड का काम हुआ है स्टूडेंट्स लद खान टेम्पल में आप देखेंगे लद खान जो है ये हिंदू नाम तो नहीं है तो ये लद खान जो नाम है ये इसलिए पड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि हम देखते हैं सक्सेसर सक्सेसर स्टेट्स जो थे उसमें से एक स्टेट के गवर्नर थे वो इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर बहुत लंबे समय के लिए रुके थे वो जनता के अंदर काफी पॉपुलर थे इसीलिए लोग इस तरह से कहने लगे कि जहां लद खान रहते हैं और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया लद खान टेम्पल तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स चालुक्यास के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जिनको हमने जॉट डाउन कर लिया है इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और वेसर स्टाइल के हॉयसाल डायनेस्टी के टेम्पल्स देखते हैं हॉयसाल जो किंगडम है स्टूडेंट्स वो कब आ रहा है अपना ट्वेल्थ थर्टींथ सेंचुरी में आ रहा है और उस टाइम आ रहा है जब तक चोलास पांड्यास ये सब डिक्लाइन कर गए थे जो है स्टूडेंट्स ये कर्नाटका के अंदर एक फॉर्मिडेबल पावर थे और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही फॉर्मिडेबल सिग्निफिकेंट पेटर्नेज दी है टेम्पल कंस्ट्रक्शन को इनके जो टेम्पल्स हैं ये अपने को मैसूर वाले एरिया में मिलते हैं मेजरली अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो इनके जो टेम्पल्स हैं ये बेलूर हेलबिड और सोमनाथपुरा के अंदर लोकेटेड हैं। इनके टेम्पल्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इनके स्कल्पचर्स के अंदर सोप स्टोन यूज किया जाता था क्योंकि सोप स्टोन जो होता है वो रिलेटिवली बहुत मैलिएबल होता है बहुत इजीली मोल्ड किया जा सकता है और इस वजह से इनके जो स्कल्पचर्स हैं वो बहुत इंट्रिकेट है उनमें बहुत डिटेल्ड कार्विंग हो पाई है क्योंकि जो स्टोन है वो काफी सॉफ्ट है और उसको अलग अलग तरह से मोल्ड किया जा सकता है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है किंगडम का टेम्पल का वो है होयसालेश्वर टेम्पल होयसालेश्वर टेम्पल जो है ये हेलबिड कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है और इसकी जो आउटर वॉल्स हैं वो डार्क स्किस्ट स्टोन की बनी हुई है इस टेम्पल को होसाल किंगडम के जो राजा हैं विष्णुवर्धन इन्होंने बनवाया था यहां पे स्टूडेंट्स इस टेम्पल की जो खासियत है वो ये है कि अगर आप इसको एरियल व्यू से देखेंगे अगर आप इसको हेलीकॉप्टर प्लेन में से नीचे होकर देखेंगे तो इसका जो ग्राउंड प्लान है स्टूडेंट्स वो स्टार शेप का है तो ये इसको बाकी टेम्पल से एकदम स्टैंड अपार्ट करता है बिकॉज इट इज इन अ स्टार शेप Apart from that students, if we talk about the hoysaleshwar temple, it is dedicated to Lord Shiva और शिव भगवान की कौन सी फॉर्म नटराज वाली जो फॉर्म है जिसमें वो कॉस्मिक डांस परफॉर्म कर रहे हैं उस फॉर्म को डेडिकेटेड है हमारा वायसालेश्वर temple. अपार्ट फ्रॉम दैट रूम्स ये जो टेम्पल है डबल स्टोरी है यानी दो फ्लोर का टेम्पल बनाया हुआ है इसीलिए आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें कितना ज्यादा पैसा लगा होगा और उसी के साथ साथ इसके अंदर कितनी ज्यादा आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट हैं वो कितने स्किल्ड होने चाहिए इस लेवल का टेम्पल बनाने के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट्स हम देखते हैं वेसर तो, हो टेम्पल्स के अंदर हमें एक स्पेसिफिक टर्म मिलती है यहाँ के जो मंडप होते हैं उनको कहा जाता है नवरंग या फिर मंडप इस तरह की जो टर्म्स हैं इन पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं फॉर इंस्टेंस विजयनगर के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के मंडप बनते थे जिन्हें कहते हैं कल्याण मंडप उसी तरह से हौसाल के अंदर जो पिलर्ड मंडप है इनको हम क्या कहते हैं इन्हें हम नवरंग कहते हैं और इनकी सीलिंग्स बहुत लैंटर्न टाइप होती हैं जो इसका बहुत ही स्पेसिफिक स्टैंडिंग आउट फीचर है ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने हॉईसल की बात कर ली और चालुक्यस की बात कर ली और इनके अंडर कौन से टेम्पल्स आते हैं उनकी क्या खासियत है कौन से राजा ने बनवाया किस मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से बने हैं एसेट्रा तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट स्टाइल जो है वेसर टेम्पल्स की विजयनगर के अंडर उसका डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स विजयनगर टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो विजयनगर जो है उसकी कैपिटल थी हम्पी और विजयनगर के भी वेसर स्टाइल के टेम्पल्स हैं और ये हमें सबसे ज्यादा हम्पी से ही मिल रहे हैं हम्पी में एक तो हमारे पास सेम नाम का वीरूपक्षा टेम्पल है एक विरूपक्षा टेम्पल पट्टाडकल में है जो कि चालुक्यास का है दूसरा विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में है जो कि विजयनगर का है इसके अलावा हमारे पास है हजार रामा और विठल स्वामी टेम्पल जो कि हमारे पास विजयनगर स्टाइल के बेस्ट टेम्पल्स हैं यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे विजयनगर के जो टेम्पल्स हैं इनके अंदर हमारे द्रविडियन और द्रविडियन ऑर्डर ऑफ पल्लवास चोलास पांड्यास और उसके अलावा चालुक्या वैसाल प्लस इंडो इस्लामिक स्टाइल ये सारे जो स्टाइल्स हैं इनका मिक्स मिलता है किसमें विजयनगर के टेम्पल्स के अंदर उसके अलावा स्टोन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि विजयनगर के टेम्पल्स में पहली बार आप देखेंगे कि गंगा और यमुना जो गॉडेसेस हैं जो कि नागर टेम्पल के एंट्रेंसेस को अडॉन करती थी वो यहाँ पे एंट्रेंसेस यानी गोपुरम्स पे लगाई जा रही हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किस डायनेस्टी ने गंगा यमुना को एंट्रेंस पर यूज किया साउथ इंडिया के अंदर इसका आंसर होगा विजयनगर इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे द्रविडियन टेम्पल्स जो है इनका डिस्कशन पूरा होता है द्रविडियन और वेसर जो टेम्पल्स है इनका डिस्कशन पूरा होता है क्विक रिकैप में हम देखेंगे तीन स्टाइल्स है हमारे पास नागर द्रविड और वेसर नागर के अंदर हमारे पास गुप्तास और राजपूत जो हैं इनके टेम्पल्स बहुत पॉपुलर हैं प्लस उड़ीसा के जो टेम्पल्स हो गए जैसे कि लिंगराज हो गया जगन्नाथपुरी हो गया इसके अलावा द्रविड टेम्पल्स की बात करें तो हमने किनके टेम्पल्स चेक किए हैं पल्लवाज राष्ट्रकूताज और उसके अलावा हमारे पास कौन हो गए चोलास वेसर स्टाइल की बात करें तो वेसर स्टाइल के सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल्स कौन से हैं हमारे पास विजयनगर हो गया विजयनगर के अलावा चालुक्यास हो गए और चालुक्यास के अलावा होयसाल हो गए जिनका टेम्पल स्टार की शेप में है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेजर मेजर जितने एग्जाम्पल लिए जा सकते थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डिस्कशन करते हैं बुद्धिज्म के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में रिलीजियस आर्किटेक्चर में तीन चीजें हैं स्तूप उसके अलावा चैत्य और चैत्य के अलावा विहार चैत्य और विहार का डिस्कशन हम पहले भी एंशंट इंडिया में कर चुके हैं यहां मैं आपको क्विकली बताती हूँ चैत्य क्या होता है चैत्य होता है हमारा वर्शिप या फिर प्रेयर हॉल ठीक है जहां पे गैदर होकर पूजा पाठ किया जाता है और विहार होता है रिसाइडिंग प्लेस रेसिडेंस होता है ऑफ द मंक्स एंड नंस, ठीक है तो चैत्य और विहार जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए और मेनली हमारे पास जो है वो होते हैं स्तूप स्तूप का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसको हम देखते हैं ये पर्टिकुलर इमेज हमें इसको समझने में बहुत आसानी से हेल्प कर देगी सबसे पहले हम क्या करते हैं एक प्लेटफॉर्म लेडाउन करते हैं एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसे कहा जाता है मेधी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर हम एक हेमिस्फेरिकल डोम बनाते हैं जिसे बोलते हैं अंडा जब अंडा बन जाता है स्टूडेंट्स तो उसके टॉप पे उसको डेकोरेट करने के लिए हम दो चीजें रखते हैं एक तो ये बाउंड्री सी होती है जिसे कहते हैं हर्मिका और हर्मिका के ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं छतरी इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर क्या होता है जो हमारे पास में स्तूप है उसके हम एक बाउंड्री बनाते हैं ठीक है जैसे ये बाउंड्री ये रेलिंग बनी हुई है पूरी ये बाउंड्री बनाते हैं और इस रेलिंग को हम कहते हैं वेदिका अब ये जो रेलिंग है इसमें से एंट्री गेट बनते हैं इस तरह के और ये जो एंट्री गेट होते हैं स्टूडेंट्स इनको कहते हैं तोरण और तोरण के ऊपर होते हैं आपके स्कल्पचर्स ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं जिसमें कि हमारा प्लेटफॉर्म होता है मेधी फिर हमारा हेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं अंडा फिर जो मेधी होती है उसके अराउंड हम एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं रेलिंग्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं वेदिका और वेदिका जो है उसमें एंट्री गेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं तोरण इसके अलावा स्टूडेंट हम देखेंगे हमारे पास सरकम एम्बुलट्री पाथ भी होता है जिससे हम चक्कर लगाते हैं इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ उसके अलावा क्राउनिंग एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है हर्मिका है और हर्मिका के अलावा छत्री है जो कि एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड को दर्शाती है सो दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई बुद्ध स्तूप जो है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं स्तूप की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो स्तूप क्या होता है लिटरली एक श्राइन होता है जिसके अंदर आपको किसी भी होली पर्सन के जो रेलिक्स हैं वो मिलेंगे रेलिक्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स रेलिक्स आपके या तो भाई बॉडीली रिमेन्स हो गए ठीक है या फिर आपने अपने जीवन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं उनको आपका रेलिक माना जाएगा तो रेलिक्स के अंदर इट इज द द बॉडीली रिमेन्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट ऑब्जेक्ट्स अ पर्सन मे हैव यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम आर कंसिडर्ड एज द रेलिक्स ऑफ दैट ऑनररी सेंट और अ ऑनररी होली पर्सन यहां पे स्टूडेंट्स जब बुद्धिस्ट्स की अगर हम बात करें तो पहले जो स्तूप है वो बुद्धिस्ट सेंट्स बुद्धिस्ट अरहत जो होते थे उनको ऑनर करने के लिए और बोधि सत्वास को ऑनर करने के लिए बनवाए जाते थे सबसे पहले जो स्तूप बने बने हैं, हैं। वो बुद्धा की डेथ के बाद बने इनका क्रीमेशन कुशीनगर में हुआ और फिर इनके जो रेलिक्स थे उनको आठ महाजन पद में बांट दिया गया जिनके ऊपर आठ स्तूप बने। ये जो आठ स्तूप बने स्टूडेंट्स ये बनते हैं राजगृह है, वैशाली कपिलावस्तु अलकप्पा रामग्राम वेथा वेथ पावर एंड कुशीनगर तो ये हमारे पास आठ सेंटर हैं जहां पे रेलिक्स रखे गए हैं और उनके ऊपर स्तूप बनाए गए हैं कब बुद्धा की डेथ के बाद फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जिस ब्राह्मण ने बुद्धा के रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था उनका नाम है द्रोण उन्होंने भी इनके रेलिक्स के ऊपर एक स्तूप बनवाया मौर्यस की अगर हम बात करें तो मौर्य काफी लेट पहुंचते हैं रेलिक्स को कलेक्ट करने के लिए इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये फर्दर बुद्धा की जो क्रिमेशन का जो पायर था उस पर से जो उनके एशिश कलेक्ट किए गए थे उसके उनको लेके उसके ऊपर एक स्तूप बनाते हैं जिसका नाम है पिपल वना पिपल वना के अंदर ये एक स्तूप बनाते हैं बुद्धा की वुड एशिस के थ्रू तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि भाई टोटल हमारे पास अर्लिएस्ट जो है वो दस स्तूप हैं, आठ कॉर्पोरल रेलिक्स पे हैं और दो जो है वो वुड एशेस के ऊपर बनाए गए हैं एक द्रोणा ने बनवाया है और दूसरा मौर्यास ने बनवाया है यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम स्तूप की बात करें तो स्तूप जो इंडिया के अंदर बने हैं ये दो स्टाइल के बने हैं इंडियन और गांधार इंडियन स्टाइल के वो स्तूप हुए जिन पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है बाहर का जबकि गांधार स्टाइल के जो है उनके ऊपर हमें ग्रीक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अगर हम इंडियन स्टाइल के की बात करें स्टूडेंट्स तो यहां पे मैंने आपके लिए क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट किया है सिग्निफिकेंट इंडियन स्टाइल के स्तूप्स का इसके अंदर हमारे पास जो सबसे क्रोनोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है सबसे ओल्डेस्ट तो नेपाल में है पिप्रहवा ठीक है जो कि मौर्य में ही स्थापित करवाया था उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं अशोक की रेन में बनते हैं सबसे ओल्डेस्ट स्तूप एक है हमारा सांची एमपी में और ये बिगेस्ट भी है और दूसरा है हमारा भरूत स्तूप जो कि एमपी में है और इसको भी अशोक ने बनवाया था अशोक ने जब इन दोनों स्तूप को बनवाया था तो बहुत ही रिलेटिवली सिंपल बनवाया था इनको आगे जाके और ब्यूटिफाई शुंगाज ने करवाया है इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्तूप आता है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में है जो की सातवाहाना बनवाया था और इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर मार्बल भी यूज धन्य कटक अमरावती के बाद जो नेक्स्ट स्तूप बनता है वो भी आंध्र प्रदेश में बनता है नागार्जुना कौंडा में और इसको सातवाहाना के बाद जो डायनेस्टी आती है आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वो बनवाते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा इंपॉर्टेंट स्तूप बनता है ये गुप्ता पीरियड में बनता है ब्रिक्स के और स्टोन्स के यूज से और इसको हम धमेक या फिर सारनाथ स्तूप भी बोलते हैं तो ये हमारे इंडियन स्टाइल के क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट के साथ सारे इंपॉर्टेंट स्तूप के नाम आ गए हैं इसके बाद स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकली सिग्निफिकेंट गांधार स्टाइल के स्तूप देखते हैं यहां पे स्टूडेंट सबसे पुराना जो है गांधार स्टाइल का स्तूप ये तक्षशिला में है इसका नाम है धर्म राज्य का स्तूप और ये भी अशोक के अंदर बना था नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है पुरुषापुर स्तूप ये पेशावर के अंदर है स्टूडेंट्स पेशावर का ही पुराना नाम है पुरुषापुर जो कि कुषाण किंग कनिष्क की कैपिटल थी और इस स्तूप को कनिष्क के अंडर बनवाया गया था स्तूप के अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास और दो बुद्धिस्ट अः रिलीजियस आर्किटेक्चर क्या होते हैं विहार और चैत्य चैत्य में बुद्धि बुद्धिस्ट जो है वो वर्शिप करते हैं इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और विहार जो होते हैं वहां पे ये लोग रहते हैं इट इज द रेसिडेंस ऑफ द दंक्स एंड दंथ तो यहाँ पे स्टूडेंट स्तूप चैत्य और विहार इनका डिस्कशन हमने कर लिया अब इसमें से हम क्रोनोलॉजिकली सिग्निफिकेंट हिनायान और महायान चैत्य भी देख लेते हैं हिनायान और महायान का जो विभाजन है, है इंसान के रूप में मूर्ति पूजा करने लगते हैं हिनायान चैत्य यानी कि हिनायान वर्शिप हॉल जो है उसमें जो हमारे पास ओल्डेस्ट हॉल है स्टूडेंट्स वो भज में है महाराष्ट्र में उसके अलावा हमारे पास अजंता में छह हिनायान चैत्य हैं नासिक के अंदर हमारे को हिनायान चैत्य मिलते हैं कारले के अंदर हमारे को हिनायान चैत्य मिलते हैं और कन्हेरी में हमको हिनायान चैत्य मिलते हैं ये जो सारी जगह है स्टूडेंट सबकी सब, सब महाराष्ट्र में है क्रोनोलॉजिकली अरेन्ज है तो आप इनको डायरेक्टली याद कर सकते हैं हिनायान के बाद स्टूडेंट्स अगर हम सिग्निफिकेंट महायान चैत्य की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट महायान चैत्य जो है वो हमारे पास अजंता में है और फिर एलोरा में है अजंता की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितनी केव्स केव ट्वेंटी कई इससे ज्यादा भी अंदाज लगाते हैं इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में नाइन टेन नाइनटीन और ट्वेंटी सिक्स नंबर की जो केव है ये चैत्य हैं और बाकी सारे विहार हैं ये जो केव्स हैं पहले सातवाहानास के अंडर बनी फिर गुप्तास के अंडर और बनी और फिर चालुक्यास के अंडर बनी और ये सब की सब बुद्धिज्म को बिलोंग करती है एलोरा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एलोरा के अंदर टोटल थर्टी फोर केव्स हैं जिनमें हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों फेथ की केव्स मिलती हैं। इसमें से केव नंबर वन टू ट्वेल्व जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं और उसके अंदर हमें कई सारे महायान चैत्य भी देखने को मिलते हैं पहले अजंता बना है और उसके बाद एलोरा बना है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हिनायान और महायान चैत्य भी हमने डिस्कस कर लिए हैं इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पालास के अंदर बुद्धिस्ट टेम्पल्स कौन से कंस्ट्रक्ट हुए इसका डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट पालास कौन है पालास भी हमारे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की एक डायनेस्टी थे हमने देखा था कि ये जो बंगाल ये लोग बंगाल और बिहार के एरिया के अंदर रूल करते थे मोर ओवर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़े पेटर्न थे बुद्धिज्म के इनके अंडर स्टूडेंट्स गोपाल धर्मपाल और देवपाल तीनों के तीनों ने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पेट्रनाइज किया है धर्मपाल के स्टूडेंट्स अगर हम खास करके बात करें तो एक तो इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई उसके अलावा इन्होंने पहाड़पुर जो कि एंशियंट सोमपुरा वाला रीजन है वहां पर एक महाविहार बनवाया था जिसको हम बोलते हैं सोमपुरा महा विहार जिसको हम बोलते हैं सोमपुरा महाविहार तो ये एक मेजर कंस्ट्रक्शन है जो कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है और पालास के अंडर हुआ था किसके अंडर धर्मपाल के अंडर बना था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का डिस्कशन खत्म होता है आपको स्तूप में जो भी मेजर फीचर्स है मेजर एलिमेंट्स है वो देखने हैं और बाकी सब मैंने आपको टैबुलर डेटा के थ्रू याद करा दिया है कौन सा स्तूप पहले बना कौन सा बाद में बना किस रूलर के अंडर बना एटसेट्रा इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारे जो मेजर जैन टेम्पल्स हैं इनका भी एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं जैन टेम्पल्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जैन जो हैं इनको सबसे ज्यादा पेटरनाइज करते थे गुजरात और राजस्थान के रूलर्स इसीलिए आपको जैन टेम्पल्स सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे इसके अलावा साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के अंदर हम देखते हैं जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर था और इसी वजह से जैन टेंपल्स हमें कर्नाटका में भी देखने को मिलते हैं यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास ओल्डेस्ट जैन टेम्पल का एविडेंस आता है वो आता है उदयगिरी खांडागिरी केव से जो कि उड़ीसा के अंदर है यहां पे स्टूडेंट्स पोस्ट मॉरियन पीरियड के अंदर एक किंग थे कलिंग के जिनका नाम था खारवेल और खारवेल ने उदयगिरी खांडागिरी केव्स बनवाई थी और खारवेल जो है जैनिज्म को पेट्रनाइज भी करते थे और खुद भी जैनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे यहाँ पे स्टूडेंट्स उदयगिरी खांडागिरी केव से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जिसपे हमें खारवेल का नाम मिलता है और ये पता चलता है हमें कि ये जैन जो है जैनिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा पेट्रनाइज करते थे एलोरा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो मैंने आपको बताया था एलोरा केव्स के अंदर हमारे क्या मिलती हैं हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों केव्स मिलती है। टोटल 34 हैं टोटल थर्टी फोर केव्स हैं स्टूडेंट्स इसमें से केव नंबर थर्टी टू थर्टी फोर जो केव्स हैं वो जैन केव्स हैं और उसमें से सबसे पॉपुलर है केव नंबर थर्टी टू जिसको हम कहते हैं इंद्र सभा केव अगर आप इसको अलग से पढ़े मैं आपको बोलूं कि इंद्र सभा केव जो है एलोरा की कौन से फेथ की है तो मे भी इंद्र का नाम सुन के आपको लगे हिंदू केव होगी लेकिन ये एक्चुअली में क्या है ये एक जैन केव है इसीलिए ये अनोमली पॉइंट होते हैं इनको ठीक से याद करना होता है इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेजर क्लस्टर है जैन टेम्पल्स का ये कहाँ से आता है ये राजस्थान से आता है राजस्थान में हमारे को नागडा में मिलते हैं जैन टेम्पल्स और उसके अलावा स्टूडेंट्स जोधपुर के अंदर हमारे पास बहुत सारे जैन टेम्पल्स हैं जिन कौ, जिस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ओसियान टेम्पल्स ओसियान टेम्पल्स कहाँ पे है जोधपुर में है और यहाँ पे हमें हरिहरा जैन टेम्पल मिलता है पीपला माता का जैन टेम्पल मिलता है अंबिका माता का टेम्पल मिलता है सोमेश्वर टेम्पल मिलता है किराड़ू में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे को राजस्थान में बहुत जगहों पे जैन टेम्पल मिल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है ओसियान जो कि कहाँ पे है जोधपुर में है इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और साउथ इंडिया के टेम्पल्स भी देखते हैं साउथ इंडिया में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एक जैन स्कल्पचर है बेसिकली इस स्कल्पचर का नाम है बाहुबली ये एक जैन जैन थे इस स्टैचू को गोमतेश्वर भी बोला जाता है ये कर्नाटका के श्रवण बेलगोल रीजन के अंदर है ये स्टूडेंट्स वर्ल्ड की टॉलेस्ट इंडिया की टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू मानी जाती है ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ी है साइज के अंदर और इसका नाम क्या है बाहुबली या फिर गोमतेश्वर लोकेटेड कहाँ पे है ये श्रवण बेलगोल में लोकेटेड है स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर स्टैचू है इसके साथ में एक स्पेसिफिक सेरेमनी एसोसिएटेड है जिसे हम कहते हैं महामस्तक अभिषेक महामस्तक अभिषेक के तहत इस पूरी स्टैचू को हम पानी से दूध से इससे इसका अभिषेक करते हैं तो ये रिचुअल किससे एसोसिएटेड है गोमतेश्वर या बाहुबली स्टैचू से जो कि एक जैन तीर्थंकर है और ये कहाँ लोकेटेड है श्रवण बेलगोल कर्नाटका में एंड इट इज दस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू इन अवर कंट्री अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी हैव वन मोर टेम्पल इन राजस्थान विच इज क्वाइट पॉपुलर इट इज नोन एज दिलवाड़ा टेम्पल एंड इट इज लोकेटेड इन हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान विच इज माउंट आबू खजुरा में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वैष्णवाइट शैवाइट शक्ति कल्ट और उसके अलावा कुछ जैन टेम्पल्स भी है जो जैन टेम्पल्स एफ स्टूडेंट्स खजुराव में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है उसका नाम है परश्वनाथ टेम्पल पर कौन है ये हमारे ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकर हैं जिनके बाद में कौन आते हैं महावीर आते हैं तो यहां पे स्टूडेंट्स इन मेजर टेम्पल्स और इनकी लोकेशन ये आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा हिंदू बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर जो है इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है अगेन हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सारी जो मेजर डायनेस्टीज हैं नागर टेंपल्स द्रविड टेंपल्स वेसर टेंपल्स इनके जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ लिए हैं बहुत ज्यादा लिए भी नहीं है आप इनको कवर करें इनको याद करके रखें इनके अंदर कौन से स्कल्पर सबसे पॉपुलर हैं उनको याद रखें बुद्धिज्म के अंदर स्तूप क्या होता है अर्लिय स्तूप कहाँ बने थे रेलिक्स क्या होते हैं ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्रोनोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इंडियन स्टाइल और गांधार स्टाइल के स्तूप कहाँ कहाँ पे बने हैं किसने बनवाए हैं इनको आपको याद रखना है जैन टेम्पल्स खास करके जो गुजरात और राजस्थान में है उनके नाम आपको याद रखने हैं और कर्नाटका का जो ये एक मेन एग्जाम्पल है टॉलिस मोनोलिथिक स्टैचू इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है So, with this, students, our discussion on Hindu, Buddhist, and Jain architecture is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. And also, don't forget to subscribe to our channel so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.